किसके झोली में जाएगी जीत, वक्त बताएगा। रंगतदार मैच, पैसा वसूल क्रिकेट। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। बॉलर आए भावेश, सामने बल्लेबाज है ऋतिक और नष्ट कर रन पे रुपेश। यस, पाटिल बंधु मैदान के अंदर है और इस बार गेंदबाज भावेश मात्रे गेंदबाजी करने के लिए। रमेश मात्रे साहब पिसारवे यांच्या वतीने रुपेश साठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये पारितोषिक आलेले आहे। चलो भावेश सुरू करो मैच। पहली गेंद फेस करेंगे इस बार देखा ऋतिक पाटिल और ये पहली गेंद भावेश की खराब उछल वाली जरूर गेंद थी और पहले रन के साथ अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो चुका है वन रन। सुपर ओवर का ये मुकाबला अंकों के सामने, पहली मैच देखिए कड़ाकेदार हुई है और उसका फैसला नहीं लगा, सुपर ओवर हुआ है। ये क्रिकेट है, भविष्यवाणी की नहीं जाती। उर्ध विकेट से और ये उड़ाया, ये गई, ये हथेली में गई लगता है, एलिवेशन नहीं मिला है। और इसी के साथ देखा जाए एक बार फिर से भावेश वापस ऋतिक, भावेश मात्रे ने विकेट हासिल किया, चलता कर दिया बल्लेबाज या ऋतिक पाटिल को। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है रविंद्रन की। इस गेंद के ऊपर विकेट लिया तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा भावेश को, ओवी राजेश यादव इनकी तरफ से। आखिरी जोड़ी है, टीम का स्कोर रंजन का 0, मतलब कि 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। व्हाइट की बदल रन आई थी। आखिरी 5 गेंदे शेष ने बल्लेबाज रोहन मैदान के अंदर। ऑन साइड के ऊपर जरूर इस गेंद को खेला है, शॉट शॉट में ताकत कम है, एक ही सिंगल मिलेगा क्योंकि आखिरी जोड़ी है, आखिरी जोड़ी है, वो काई को ले दौड़ेंगी उन्हें मालूम है। और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचे एसीसी रोहिंदन टीम का 2 रन। आखिरी 4 बॉल शेष है, सामना करेंगे पहली दफा गेंद का रुपेश। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है, कितने रन आएंगे इस 4 गेंदों के ऊपर वक्त बताएगा। भावेश मात्र ने एक तो सफलता हासिल किया है ऋतिक की, लंबा रनअप है, दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते और विकेट से। फुल टॉस जरूर गेन है लेकिन लॉन्ग ऑफ के एरिया में फील्डर मौजूद है, गुड फील्डिंग पडले द्वारा। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 3। आखिरी 3 बॉल शेष इस अंतिम ओवर की, सुपर ओवर का यह मुकाबला, चमकदार ट्रॉफी 4 हमारे बाइसिकल हमारे सामने। और टॉपेज खलास, टॉपेज लगा और इसी के साथ एसीसी रोहिंदन टीम का यह विकेट गिर चुका है। एसीसी रोहिंदन टीम का स्कोर है 3। बहुत ही गुड बॉलिंग भावेश मात्रे, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सभी खिलाड़ी उनका अभिनंदन करें, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं भावेश को। और जीतने के लिए आप यहां पड़ले टीम को 4 रनों की जरूरत है। भावेश मात्रे को 400 रुपए का इनाम मिल चुका है, ओवी राजेश यादव इनकी तरफ से, ओवी राजेश राउत इनकी तरफ से, तो उनका हार्दिक स्वागत राउत साहब आपका भी। गुड बॉलिंग भावेश, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, सही दिमाग के साथ टॉपेज लगा, पीछे प्रोटेक्शन था, कैच को लपक लिया और आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। देखिए रिप्ले में देख सकते, ये कृष्णा भाई की भी खासियत है, बहुत सालों से हाथ में कहते क्या उसे कहते मास्क कहते ना, माउस कहते हैं हाँ। और अब इस बार देखा जाए उस कीबोर्ड के ऊपर बटन का प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया है, ओके टॉकी से काम भी चल रहा है। अंकित पाटिल से बातचीत कर रहे हैं, अंकित को, अंकित ये पूछ रहा है कृष्णा भाई को कि तुम हमारे पक्ष में कब आएंगे। चलिए जल्दी फील्डिंग लगाइए, दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर जाइए। नेक्स्ट मैच है सुंदर ग्रुप खुटारी बनाम
और सिद्धि मिला भिंगारी के बीच मैच तुर्गे तुर्गे यस सुंदर ग्रुप कुमार इलेवन तुर्बे बनाम भिंगारी के बीच नेक्स्ट मैच है। दोनों कप्तान टॉस के लिए आई है, छह बॉल में चाहिए चार रन और अभी मुकाबला टाई हुआ तो फ्रेश टॉस किया जाएगा, जो टीम टॉस जीतेगी उसको विजयी। तर खुटारे गांव के शिवसेना शाखा प्रमुख सन्माननीय संतोष शेठ भात्रे साहब यांना विनंती करतो की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं। गोल्डन मॅन यांना विनंती असेल, आपण या मंचावर साहेब हार्दिक हार्दिक स्वागत। आखरी छह गेंदेवर जीतने के लिए चार रन चाहिए, क्या खुटारी के गेंदबाज वही करिश्मा करेंगे जिस भावेश ने किया था, वक्त बताएगा। सफेद जर्सी में इस बार खुटारी टीम खेल रही है, यहाँ रोहिंदन टीम खेल रही है और इस लाल जर्सी में पडले टीम खेल रही है। कौन सी जर्सी किस जर्सी के ऊपर भारी होगी, मैच कौन जीतेगा वक्त बताएगा। जीतने के लिए चार रनों की जरूरत है, लेकिन आए हैं इस बार देखा जाए गेंदबाज संकेत। रोहन स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे स्वप्निल, छह बॉल में चार चाहिए। सुपर ओवर का यह मुकाबला है, अगर इसमें टाई होगा तो फ्रेश टॉस किया जाएगा। और देखिए दो बाइक रखे हुए मैंने तो सीरीज के लिए, एबी और एबीसी गट के लिए और डीएफ गट के लिए भी बाइक है। बहुत ही बढ़िया खुटारी वाले क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। और चार ये जो साइकिल रखे हुए और एबी के लिए एबीसी के लिए दो और डीएफ के लिए दो, अच्छा नियोजन, परफेक्ट कार्यक्रम, करेक्ट नियोजन। अच्छी बॉल, गुड बॉल, देखिए घातक गेंद आई थी। बैट्समैन बॉलर को देख रहे हैं कि बॉल क्या होगी, कितनी स्पीड से आ गई है। क्या हुआ, इनर निकालो। देखिए लाइव के ऊपर हम देखेंगे, हमारे आयोजक करता है जया भाई से देखेंगे, फैसला करेंगे मैच की शुरू कीजिए। शून्य रन, और इस बार ड्राइव जरूर किया है, लॉन्ग रन के ऊपर गेंद, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ खाता ओपन किया बल्लेबाज। इस बार देखा जाए स्वप्निल ने एक सिंगल के साथ पडले टीम का भी खाता ओपन हो चुका। आदर्श इलेवन पडले बनाम एसीसी रोहिंदन के बीच मुकाबला, सुपर ओवर का यह मैच है। जीतने के लिए चार बॉल तीन चाहिए और एक विकेट बाकी है, क्या रोहिंदन के कप्तान और गेंदबाज किस तरह से खूबी के साथ गेंदबाजी करेंगे। विकेट दो चटका देंगे तो मैच रोहिंदन जीत सकते हैं, चार बॉल में तीन रन इकट्ठा कर सकते हैं तो मैच पडले जीत सकता है। अगर ये फिर से स्कोर लेवल हो सकता है तो फ्रेश टॉस किया जाएगा और जो टीम टॉस जीतेगी उसको भी जीत दिया जाएगा। आखिरी चार बॉल तीन, रोहन गेंद को फेस करेंगे पहला, संकेत की तीसरी बॉल ओवर द विकेट से। अच्छी बॉल, यह जबरदस्त है, स्पीड देखी है, मनु बंदूक से गोली निकल जाती है, उसी तरह से गेंद आ गई है। मोहम्मद सैमी की याद दिलाई गेंदबाज ने मुझे, गुड बॉल गुड बॉल। देखिए बॉल, देखिए कितनी, हाँ जैसे वाइड हरकर जैसे गेंद हो जाती है उस तरह से आ गई है। आखिरी तीन बॉल तीन रन चाहिए, हिम्मत हारो मत, अभिमन्यु की बात मुझे आज भी याद है, हिम्मत से हारो लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मैच है क्रिकेट है, जीत क्रिकेट की होगी लेकिन संघर्ष से इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी तीन बॉल, संकेत तैयार है चौथी गेंद फेंकने के लिए, रोहन सामने और ये देखिए रन आउट का मौका, जबरदस्त बॉलिंग चल रही है, मानो मुझे लग रहा है इस बार देखा जाए इतनी जबरदस्त गेंदबाजी, डगआउट देखिए पूरी तरह से पडले का टेंशन में आ गया, गुड बॉल गुड बॉल, क्या गेंदबाजी चल रही है, मानो बल्लेबाज को टेंशन में डाल दिया है। आखिरी दो बॉल तीन,
देखिए सेम टप्पा सेम लाइन लेन, वाह आखिरी दो बॉल जीतने के लिए तीन रनों की जरूरत है। संकेत भी कह रहा है अगर तुम्हारा भावेश है तो मैं भी हूं, ऐसे कहते हैं टक्कर। अभी क्या होगा इस गेंद के ऊपर देखना पड़ेगा। रिवर्स स्वीप, प्रेशर आ चुका है, या नहीं स्ट्राइक नहीं है ऐसी, कैसे इस बार देखा जाए क्योंकि कानून आ चुका है स्ट्राइक नहीं चेंज हो सकती है। बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में गया है, जीतने के लिए एक बॉल और तीन रनों की जरूरत। अभी रोहिंदन के सभी दर्शक उठ चुके, हमारे प्रमोद बाबू भी उठ चुके हैं, मैच में रंगत आई है। देखिए इशारा कर रहा है कि मैच हमें जीतना है, लेकिन ये बल्लेबाज यानी कि रोहन को फंसा दिया है संकेत ने। क्या खूबसूरती के साथ गेंदबाजी की, अपने वेरिएशन के तौर के ऊपर उन्होंने सभी फास्ट गेंदें फेंकी है और चकमा दिया है बल्लेबाज को। वाड़ वाड़ गेंदबाजी, आखिरी एक गेंद जीतने के लिए तीन रन चाहिए, अब भी बाउंड्री की जरूरत है। अगर दो रन निकाल सकते तो टॉस किया जाएगा, वो सुपर ओवर होगा उसका टॉस किया जाएगा, बाउंड्री आ गई छक्का आ जाएगा तो पढ़ ले जीतेगा। और देखिए बाउंड्री लाइन पे अभी खिलाड़ी कैसे खड़े हुए हैं, मानो पूरी तरह से हमारे कमांडर खड़े होते सीमा के ऊपर वही है। आखिरी गेंद तीन, कौन जीतेगा पढ़ ले रोहिंदन, रोहिंदन पढ़ ले, मैच को जिताएंगे संकेत या रोहन। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर, और इसी के साथ जीत अर्जित एसीसी रोहिंदन टीम। वेल डन डीजे। पाटिल को हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड घोषित कर रहे हैं, उन्हें विनती कि हमारे मंच के ऊपर मैच की समरी देखिए इस तरह से पूरी तरह से। 400 रुपए का इनाम भविष्य मात्रे को है, भविष्य मात्रे आप लेके जाइए आपका इनाम। भविष्य मात्रे पढ़ लेके भविष्य आइए, मैच को जीता इस बार देखा जाए रोहिंदन टीम ने। वेल डन रोहिंदन टीम, हार्ड लग आदर्श।